हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विकीबग। आज के वीडियो में हम देखने जा रहे हैं पीटी स्लैब, दैट इज द पोस्ट टेंशनिंग स्लैब। पोस्ट टेंशनिंग स्लैब की कंप्लीट प्रोसीजर स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट डे टू लास्ट डे कैसे की जाती है, कैसी अरेंजमेंट वहां पे की जाती है, कौन से कंपोनेंट्स, कौन से एक्सेसरीज वहां पे यूज की जाती है, साइट पे एग्जीक्यूशन कैसे किया जाता है, इसकी टोटल प्रोसीजर हम आज के वीडियो में देखने जा रहे हैं, जो कि बहुत एक इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रहा है। सो स्टे ट्यून्ड विद विकीबग।
अब देख सकते हो यहाँ पे पीटी स्लैब दैट इज द पोस्ट टेंशन स्लैब के जो बीम है उसके लिए यहाँ पे 12 mm एंड 16 mm डायमीटर के पास यूज किए जा रहे हैं एंड उसे कनेक्ट करने के लिए 8 mm एंड 10 mm डायमीटर के स्टिरप्स यूज किए जा रहे हैं। इन एडिशन टू दिस अब देख सकते हो थिन मेटालिक टेंडन जो है ऑलरेडी यहाँ पे प्लेस किए जा रहे हैं फ्रॉम दीज स्टील बार्स। Oh,
आप देख सकते हो जो एच टी वायर जो टेंडन्स मेरे हाथ में हैं वो इन डक्ट्स में से इंसर्ट किए जाएंगे एंड आफ्टर कॉन्क्रीटिंग इन टेंडन्स के ऊपर टेंशन अप्लाई करके उसका जो वो डक्ट एंड एच टी वायर के बीच में जो स्पेस जो रिमेनिंग जो स्पेस है उसमें ग्राउटिंग या सीमेंट स्लरी इंसर्ट की जाएगी। आप देख सकते हो आपके स्क्रीन पे एक पाइप की अरेंजमेंट प्रोवाइड की गई है जो डायरेक्टली कनेक्टेड है डक्ट से, जिसके अंदर ऑलरेडी टेंडन्स इंसर्ट किए हुए हैं। कॉन्क्रीटिंग चल रही है, कॉन्क्रीटिंग होने के बाद जब ये इन टेंडन्स को टेंशन प्रोवाइड करने के बाद डक्ट एंड टेंडन्स के बीच का जो स्पेस है वो फिल करने के लिए यहाँ पे सीमेंट स्लरी सीमेंट पेस्ट ग्राउटिंग की जाएगी, उसके लिए ये अरेंजमेंट यहाँ पे प्रोवाइड की गई है। We'll be right back.
ऐसे ही वीडियो के लिए, ऐसे ही नोटिफिकेशन के लिए आपको विकीबग के बेल आइकॉन को प्रेस करना होगा। वीडियो अगर आपको बेनिफिशियल लगा हो तो इसे शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग विकीबग।